अगर गाइज हम दुनिया के सबसे बड़े सांप की बात करें तो आप में से कुछ लोगों का जवाब एनाकोंडा या फिर उससे भी अलग टाइटेनोबोआ का नाम लेंगे। लेकिन गाइज दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने टाइटेनोबोआ जैसा ही या फिर इससे भी बड़ा सांप देखा था, जो कि आज के समय के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। हाय गाइज, मेरा नाम है संजय और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह घटना है साल 1959 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब बेल्जियम के वायु सेना के कर्नल रैमी वैन लियर्डे अपना एक मिशन पूरा करके हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे तो कांगो के कटांगा क्षेत्र से गुजरते समय उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें यह कन्फर्म नहीं था कि यह एक सांप है, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में अपने को पायलट से कन्फर्म किया तो को पायलट ने उन्हें सांप होने की पुष्टि की, जिसके बाद इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को सांप को देखने के लिए वापस घुमा लिया और उसी जगह पर लौट गए जहां पर सांप मौजूद था। और कर्नल रैमी वैन लियर्डे का कहना है कि इस सांप की लंबाई लगभग 50 फीट के करीब थी, जबकि इसका सिर 2 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा था और इसका सिर ट्रायंगुलर शेप में था। So there was close to 50 foot, close to 50 feet. I don't know you say 50 foot or 50 feet. अगर उनका यह अनुमान सटीक था तो यह अब तक का देखा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जबकि इसका रंग हरा था जिस पर भूरे रंग की स्केल्स थी और यह नीचे से सफेद रंग का था। और यह बात उन्हें तब पता चली जब ये सांप को देखने के लिए थोड़ा नीचे आए और उसी समय सांप ने अपने सिर को लगभग 10 फीट ऊपर उठा लिया था। और कर्नल रैमी वैन लियार्डे का कहना है कि अगर वे सांप की रेंज में होते तो वह सांप उन पर हमला कर देता। और लौट से समय रैमी वैन लियार्डे अपने साथ इस सांप की एक तस्वीर खींच लाए जो कि लाकर दुनिया के सामने रख दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस तस्वीर को फेक बताया। लेकिन उस समय फोटोशॉप के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जिसके बाद इस तस्वीर की जांच CIA द्वारा की गई, जिसमें यह तस्वीर असली पाई गई और तस्वीर में मौजूद यह सांप वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। कुछ जानकारों का तो मानना है कि यह सांप लगभग 200 फुट लंबा था और इस सांप की खोज के लिए फिर से कई मिशन चलाए गए, लेकिन यह सांप आज तक किसी को वापस नहीं दिखा, जिसके कारण यह सांप एक मिस्ट्री बनकर रह गया। कुछ जानकारों का मानना है कि यह सांप अफ्रीकन रॉक पाइथन हो सकता है, जो कि समय के साथ इतना बड़ा हो गया होगा, जबकि कुछ को मानना है कि यह विशाल इओसीन स्नेक गैगेंटोफिस का एक वंशज है। लेकिन कर्नल रैमी वैन लियार्डे अपने इंटरव्यू में इस सांप का सटीक अनुमान 50 फीट के करीब ही बताते हैं और इस घटना की पूरी सच्चाई बयां भी करते हैं। लेकिन गाइज, आपका इस फोटो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Take care.